हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल मेहंदी हरिश्चंद्र वाली में होने वाली है शादी। घर वाले यानी पल्लवी और राघव की ना चाहते हुए भी उन्हें ये शादी करवानी पड़ रही है। भाई अब इसने ठान ही ऐसा लिया है कीर्ति ने कि वो सनी के बिना नहीं रह सकती, और सनी ने भी एक ऐसी मजबूरी क्रिएट कर दी है कि सनी और कीर्ति ने दोनों ने अपनी हदें भी पार कर दी है, और इस मजबूरी के चलते हुए अम्मा और राघव को इसके लिए हाँ करना ही पड़ता है। भाई अब पल्लवी की लाख समझाने के बाद, घर वालों की लाख समझाने के बावजूद भी कीर्ति इस बात को राजी ही नहीं है कि वो सनी का पीछा छोड़ दे और सनी का साथ छोड़ दे। लेकिन घर वाले भी बेचारे मजबूरी में ही सही, और अम्मा भी अब उसे रोकना नहीं चाहती, और वो अपनी जिंदगी खुद ही अपने हाथों से कीर्ति बर्बाद कर रही है। तो घर वाले भी मजबूरी में सही उन दोनों की शादी को मान गए हैं, और अब घर में होने वाली है शादी। सभी घर वाले तैयारियों में जुट गए हैं। तो वही मंदाल लौट कर आ गया है, जिसे पल्लवी लेकर जाती है उनके घर पर, और सबको ये सारा जो मामला है वो सुलझाने की कोशिश करती हैं। तो भाई मंदाल लौट कर आ गया है, और अब काका के और विजय में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, और पल्लवी और मंदाल इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अम्मा फराज सभी लोग, यहाँ पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें कि सभी लोग तैयार हैं, और कीर्ति की सगाई और शादी होने वाली है कि जैसे कि पल्लवी और राघव ने वादा किया था। तो एक महीने का टाइम पल्लवी ने मांगा था जो खत्म हो चुका है, और अब पल्लवी ये साबित नहीं कर पाई। लेकिन अब पल्लवी ने ये तो साबित कर ही दिया था कि सनी ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन फिर भी कीर्ति घर वालों को मजबूर कर देती है इस शादी को हाँ करने के लिए, और अब घर वाले मजबूरी में अब कीर्ति की और सनी की शादी करवा रहे हैं। तो कीर्ति खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है सनी से शादी करके, और जो पल्लवी ने कहा था उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इन दोनों की शादी कीर्ति की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आएगी ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चली जाएगा। लेकिन अब कीर्ति की ये सभी बड़ी गलती उस पर काफी भारी पड़ने वाली है, और होगी इन दोनों की शादी, जिसकी तैयारी शो में शुरू हो चुकी है।